कोरोना महामारी के चलते अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, दवा सहित अन्य संसाधनों की भारी कमी है। मरीजों की इलाज के अभाव में जान जा रही है। वहीं इस सब के बीच सरकारी अफसरों और डॉक्टरों के मध्य विवाद भी गहराता जा रहा है। गुरुवार को डॉक्टरों के संगठन ने कहा है कि जब तक कलेक्टर मनीष सिंह को इंदौर से हटाया नहीं जाएगा, तब तक हम काम नहीं करेंगे। डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को संभागायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि 7 मई की सुबह 8 बजे से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सभी अधिकारी व कर्मचारी काम करने में असमर्थ रहेंगे और ये अधिकारी व कर्मचारी तब तक काम नहीं करेंगे जब तक इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह को हटाया नहीं जाता। स्वास्थ्य विभाग के संगठनों द्वारा इस संबंध में आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं दूसरी ओर MGM में जूनियर्स डॉक्टरों की हड़ताल शुरू हो गई है। संविदा कर्मी हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं। शासन प्रशासन से मेडिकल कर्मियों की इस जंग में सीधा खामियाजा जनता को भुगतना होगा। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा जिला प्रशासन के अफसर द्वारा किए जा रहे व्यवहार का विरोध किया जा रहा है। डॉक्टर गडरिया के समर्थन में विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी संगठनों ने सभी चिकित्सक अधिकारी नियमित संविदा त्रिश्रेणी चतुर्श्रेणी सभी कोरोना सैंपलिंग RRT होम आइसोलेशन CCC टीम एवं सभी फील्ड कर्मचारियों से संघर्ष करने के लिए तैयार रहने का आग्रह किया गया है। संगठनों का कहना है कि मांगे न मानी जाने पर सामूहिक इस्तीफा दिया जाएगा, लेकिन अत्याचार व अभद्र व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा। अपनी लंबित पूरी नहीं होने पर गुरुवार सुबह जूनियर डॉक्टरों ने MYH की इमरजेंसी OPD व IPD सेवाएं बंद कर दी। मेडिकल कॉलेज में भी विरोध प्रदर्शन किया। मांगों पर 24 घंटे में अमल नहीं होने पर शनिवार से इमरजेंसी और COVID-19 ड्यूटी करने से भी इनकार कर दिया गया है। जूडा अध्यक्ष डॉक्टर प्रखर चौधरी ने कहा, सरकार द्वारा हमारी कोई चिंता नहीं किए जाने से जूनियर्स डॉक्टरों में असंतोष का माहौल है। एक साल से ज़्यादा वक्त से जान जोखिम में डालकर कोविड सेवाएं देने के बावजूद ना तो उचित वेतन मिल पा रहा है, यहां तक कि इलाज और सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं अन्य राज्यों की सरकारें जूनियर्स डॉक्टर का वेतन और सुविधाएं बढ़ा रही हैं। प्रशासन के अधिकारियों द्वारा अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के 2 डॉक्टरों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने वालों में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा गडरिया और मानपुर के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर RS तोमर शामिल हैं। डॉक्टर गडरिया ने कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा डॉक्टर तोमर ने SDM अभिलाष मिश्रा द्वारा प्रताड़ित किए जाने की बात को लेकर यह कदम उठाया था। डॉक्टर गडरिया ने कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा तो वहीं डॉक्टर तोमर ने SDM अभिलाष मिश्रा द्वारा प्रताड़ित किए जाने की बात को कहकर यह कदम उठाया था। मार्गदर्शक थे हमारे, पोषक थे जिला स्तर के अधिकारी होने के नाते, और हम लोग जनहित को देखते हुए हमने अपने स्वयं के हित को परे रखा। लेकिन अभी परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि हमारी एक प्रथम श्रेणी महिला अधिकारी को पद से त्याग पत्र देने के लिए मजबूर कर दिया गया है। तो हमारे पास सिवाय इसके अब कोई चारा नहीं था कि शासन का ध्यान जल्दी से जल्दी आकृष्ट करके समस्या का स्थायी समाधान ढूंढा जाए। कि जिन मैडम के निर्देशन में हम काम करते हैं, जिन्होंने पूरा अमला संभाल के रखा है, यदि वो निकम्मी है तो हम भी निकम्मे हैं, तो हम भी रिजर्वेशन दे देंगे। अभद्र, असंसदीय और अमर्यादित शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या इस बात का कोई वो है, क्या प्रूफ है कि वो अगली बार इस प्रकार की अपनी आदत, जो उनका स्वभाव बन चुका है, उस स्वभाव को वो बदल देंगे क्या? हमें नहीं लगता कि वो स्वभाव को नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि पिछले 14 महीनों से हर अधिकारी और कर्मचारियों को बुरी तरह से प्रताड़ित होना पड़ा है, जलील होना पड़ा है अपने अधीनस्थों के सामने, और ये चीज़ें जब उनका मनोबल ही तोड़ रही है, घर पे जाते हैं तो अपने को वो एक प्रकार का तनाव रहता है कि आज ऐसी बात हो गई, ऐसी बात हो गई। काम कर करके पूरे देश और दुनिया में डॉक्टर लोग एक प्रकार से थक गए हैं। ऐसी स्थिति में उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए कि मनोबल घटाना चाहिए, मैं ये आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ।